हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेल गाइस, मैं आज आ रहा हूँ फूलाधार, और फूलाधार का मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, और फूलाधार के बारे में आपको बताऊंगा। और गाइस, काफ़ी लाजवाब जगह है फूलाधार, और आप फूलाधार कैसे जा सकते हैं ये आपको मैं बता दूंगा वीडियो के बीच में। लेकिन अभी नहीं, आप वीडियो का इंजॉय ले, वीडियो को देखें गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा फ्रेंड स्कूटी लेके चला गया आगे। जो रोड है काफ़ी जगह पॉइंट ख़राब है, और चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, और पत्थर पत्थर ज़्यादा रोड है, जिसके कारण से स्कूटी चढ़ाई नहीं चढ़ पा रही थी। तो फिर मैं उतर गया और मेरा फ्रेंड स्कूटी लेके आगे चला गया है। अब मैं भी वहाँ जा रहा हूँ अभी। अभी देखो, हम जा ही रहे थे ऊपर तक, बट मेरे को लगता है कि मेरे को फिर से उतरना पड़ेगा। यहाँ पर स्कूटी भी बंद पड़ गई है, और भी चढ़ रहे और देखते हैं, चढ़वाती है चढ़वाती है। तो फाइनली गाइस, स्कूटी धीरे धीरे चढ़ रही है ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता, एंड 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 चढ़ ही गई है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन, आप रोड देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं रोड में। रोड की अभी मेंटेनेंस नहीं हुई है, और रोड अभी पक्का भी नहीं हुआ है, और स्कूटी खड़ी गई हमारे ऊपर। सो फाइनली गाइस, अभी हम फूलाधार पहुँचने वाले हैं, और अभी पिछले हफ्ते यहाँ पर स्नोफॉल हुई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मेरे पीछे भी स्नोफॉल है, अभी इतनी स्नोफॉल यहाँ पर हुई थी कि अभी तक पिघली नहीं है। और फूलाधार यहाँ से 400-500 मीटर दूर है, और अब हम आपको सीधे डायरेक्ट फूलाधार लेके जाएंगे। जैसा कि आप देखने वाले, अब हम इसी रास्ते से, रास्ता नहीं पूछ सकते बट रोड है, इस रोड से हम आगे जाएंगे सीधे डायरेक्ट, आगे जाके फूलाधार है। और गाइस, आप देख सकते हैं फूलाधार का व्यू, मेरे विचित्र खूबसूरत वादी में बसा फूलाधार। गाइस, आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन काफी खराब है यहाँ पर, रोड की कंडीशन, और हमारे फ्रेंड स्कूटी लेके जाते हुए आगे। काफ़ी अच्छा व्यू है गाइस। अभी हम फूलाधार पहुंच रहे हैं, फूलाधार यहाँ से 200 मीटर दूर है। हमने स्कूटी पीछे पार्क कर दी थी, और जैसा कि आप देख सकते हैं, रास्ता देख सकते हैं आप, यहाँ पर व्हीकल नहीं जा सकती, हम पैदल ही जा रहे हैं। सो फाइनली गाइस, मैं पहुंच गया हूँ फूलाधार, और फूलाधार से दिखने वाला व्यू, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन हैं बर्फों से ढके हुए, और ये धौलाधार पर्वत है गाइस, ये धौलाधार की पहाड़ी है ये उधर सामने। और ये जो सामने ये छोटे से पहाड़ दिखा दे रहे ना गाइस, इसकी अंडर नीचे जाके ब्रोट वैली, इसे थोड़ा सा आगे जाके ब्रोट वैली है, और सामने चले जाते हैं इस तरफ, और सामने जो पहाड़ देख सकते हैं ना गाइस, ये अंडर, इसके अंदर डायनासोर है। डायनासोर भी एक हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थान है। और आगे लेके चलता मैं आपको गाइस, आगे सामने पहाड़ है, कुल्लू वैली के पहाड़ है गाइस, आप देख सकते हैं बर्फ पड़ा हुआ है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ है। शायद इन कैमरे में इतना अच्छे से फोकस नहीं हो पाता है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पर इतनी डीपली फोकस नहीं हो शायद कैमरे में। और फूलाधार का व्यू आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे भी कुछ बर्फ अभी तक पिघला नहीं है, अभी बर्फबारी भी होगी अभी जनवरी फरवरी में, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 2 या 3 फुट यहाँ पे बर्फबारी होती रहती है, मतलब हर साल होती है यहाँ पे बर्फबारी। आप आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा आपको यहाँ पर गाइस। मैंने आपको फूलाधार का व्यू दिखा दिया है, और अभी हम फूलाधार से थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और बेहतरीन व्यू आपको दिखा सके। और गाइस, मैं अभी पहुंच चुका हूँ फूलाधार के आगे, थोड़ा सा 200 या 300 मीटर में आगे आ चुका हूँ, और अभी थोड़ा सा हाइट में, और हाइट से आप देख सकते हैं व्यू मेरे नीचे, ये गाइस गोमा वैली, और इस तरफ थोड़ा सा धुंध है, धुंध के कारण से इतने कैमरे इतने डीपली क्लियर मतलब रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। और गोमा वैली है, गोमा वैली यहाँ पे नमक खान है, यहाँ पर पत्थर वाली जो दूसरी तरफ देख सकते हैं गाइस, हवा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चली हुई है, और माफ़ करना आपको ज़्यादा हवा ज़्यादा सुनाई दे, तो
क्योंकि नॉइस आपको ज़्यादा चल सकती है, और टॉप पे तो टॉप पे हवा काफ़ी ज़्यादा चलती है। और दूसरी तरफ देख सकते हैं जोगनगर, इस तरफ जोगनगर और कांकड़ा भी आगे है, और ये मेरी कैब ये खुद ही अपने आप ये हवा के कारण झोंकों से ही उड़ के सर पे आ रही है। और ये चार पहले देख सकते हैं गाइस, आप थोड़ा मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा, और दिखाते हैं आपको व्यू यहाँ का। देख सकते हैं गाइस आप चौहार पैली का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी क्लीन है यहाँ पर, कोई धुंध देना कोई धूल है यहाँ पर, देख सकते हैं आप काफ़ी क्लीन है। गाइस आपको व्यू डे कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताएं, क्या आप यहाँ आना चाहेंगे पहाड़ों में। और गाइस यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ पर आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, बट आजकल थोड़ा सा कोरोना काल में थोड़ा सा यहाँ पे टूरिस्ट आना जाना बंद हो गया, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बंद पड़ा हुआ है, अभी तक ये ओपन नहीं हुआ है। रोड अभी गांव में नहीं पहुँचा, तो यहाँ पे जो लोग हैवी सामान जो घर के लिए राशन वगैरह या फिर घर के लिए कामों के लिए कुछ सामान लेके आते हैं, तो घोड़े खच्चर लगा के लाना पड़ता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देख सकते हैं आप पहाड़ी घोड़े, यहाँ पर घास चर रहे थे, और एक यहाँ पर पेट भर के आराम कर रहा है पहाड़ी घोड़ा। घोड़े जब गांव के लोगों के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जंगल है, जंगल में काफ़ी बड़े बड़े भालू वगैरह शेर वगैरह यहाँ पर होते हैं, जो कि रात के टाइम अटैक करते हैं, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना घना जंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर शेर और भालू वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे अटैक की हो सकता है, आप संभल कर यहाँ पर आ सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, आपको पता है फुलाधार को छोटा शिमला के नाम से भी जाना जाता है, और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी तक मालूम नहीं था, आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक कर दें। बट गाइस वीडियो को डिसलाइक करने वाले रीज़न बता दें कि वीडियो में क्या कमी थी और जिसको हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, और गाइस आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आप समझ सकते हैं ना गाइस, आपकी लाइक्स और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो फिर हम आपके लिए अलग नए नए डिफरेंट प्लेस में जा जाके आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे। सो गाइस फाइनली अब वक्त आ गया कि मैं बताऊं कि फुलाधार कहां पे सिचुएटेड है। गाइस ये फुलाधार घोघरधार में सिचुएटेड, और घोघरधार में आप कभी अगर बाय चांस आप रोट गए हो, तो रोट में एक जिटिंगरी नाम का प्लेस आता है गाइस, जिटिंगरी से आप यू टर्न लेके 4 से 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर रख लो गाइस, वहां से आप लिंक है वहां से आप जा सकते हैं गाइस, और फुलाधार आप पहुँच सकते हैं गाइस। गाइस फुलाधार के बाद मैं पहुँच चुका अब बुधौनी धार में, और मैं अब आपको बुधौनी धार का व्यू दिखाऊंगा और बुधौनी धार के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। और गाइस मैं बुधौनी धार के हाइट पे हूँ, और देख सकते हैं मैं कितने हाइट पे हूँ, अगर यहाँ से अगर कोई गिरेगा तो मेरे को तो नहीं लगेगा वो कोई दोबारा उठ सकता है गाइस, और ये मेरे पीछे पद्र व्यू है, पद्र का व्यू। आप बुधौनी धार पहुँचेंगे तो बुधौनी धार में आपको रेस्ट हाउस है यहाँ पर, और यहाँ पर आप रुक सकते हैं नाइट स्टे के लिए, नाइट स्टे भी लगा सकते हैं यहाँ पे गाइस, और इसकी एडवांस अगर आपको बुकिंग करानी हो तो आप हिमाचल टूरिज्म वेबसाइट के अंदर जाके इसकी बुकिंग करा सकते हैं, और जहाँ पर अगर काफ़ी कम टूरिस्ट होगी यहाँ पे तो आप यहाँ पे भी बुकिंग करा सकते हैं, यहाँ पे रूम ले सकते हैं नाइट स्टे के लिए, जो कि एक बेहतरीन सुविधा है यहाँ पर एक लगी मुझे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो गाइस लाजवाब अल्टीमेट, बट वहाँ पे मेरे को ना कुछ कमी नज़र आई गाइस, जैसे कि वहाँ पर रोड की थोड़ी सी सुविधा नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा गाइस। और आप नेक्स्ट वीडियो कहाँ की देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर और कहाँ की देखना चाहते हैं आप कमेंट करके बताएं गाइस। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।
बाय।